एग्जीक्यूटिव रिजल्ट डिग्री मार्कशीट अपडेशन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपका भी रिजल्ट डिग्री मार्कशीट अभी तक नहीं आई, आपको जानना है कोई इशू है, अगर आपका कोई भी इशू है अभी तक रिजल्ट वन व्यू पे डिवीजन या फिर आपका सीजीपी अपडेट नहीं हुआ है, रिजल्ट आपका जो है इनकम्प्लीट है, ऐसे जो भी है, तो उसको लेकर बहुत अपडेट है, गुड न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी कॉलेज सभी छात्रों को लेकर। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। तो देख सकते हैं कि ट्यू ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, अभी भी का नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है सभी छात्र जिसका आपको वेट था। हालांकि हमने डिमांड भी करी थी कि ट्यू से, जो हमने डिमांड करी उसको ट्यू ने पूरी की। पहले हम ट्यू को धन्यवाद करते हैं कि ट्यू के बीसी को, कि ट्यू एग्जाम कंट्रोलर को, क्योंकि हमने डिमांड करी थी कि छात्रों की अगर कोई सुन नहीं रहा तो आप ही खुद ही ऑनलाइन एक कोई मीटिंग वगैरह का लिंक बना दी जहाँ से छात्र कुछ ही खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर सके, तो वही ट्यू ने किया। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो चीज़ जो काम अच्छा करते हैं उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत करेंगे उसकी बुराई करेंगे, तो मेरे ये आदत है। तो पहले नोटिस क्या है, आपसे होगा था कि छात्र छात्राओं की समस्याओं का निराकरण निस्तारण संस्थान के माध्यम से किया जाता है, तथापि कतिपय छात्र छात्राओं अपने रिजल्ट मार्कशीट डिग्री इत्यादि की समस्याओं प्रकरण को लेकर सीधे विश्वविद्यालय आते हैं। छात्र छात्राओं की सुविधा एवं उपरोक्त समस्याओं प्रकरणों को निराकरण निस्तारण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गूगल लिंक, जी हाँ, विश्वविद्यालय द्वारा ने गूगल लिंक ये जारी किया, जो कि गूगल लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस गूगल लिंक के थ्रू आप जो है एक ट्यूब में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी मैं आपको लिंक भी बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं। उसके साथ साथ गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आप जो है शिकायत कर सकते हैं, गूगल लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध के उक्ति के तदनुसार होते हुए संस्था अपने स्तर पर सभी छात्र छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें, वो सामान्यता परीक्षा संबंधित कार्य समस्याओं के निराकरण हेतु सीधे विश्वविद्यालय नहीं आए, जी हाँ, अपितु संस्था अथवा उल्लिखित गूगल लिंक के माध्यम से ही समस्या का निराकरण हेतु आवेदन करें। कहने का मतलब एक ट्यू ने अपने संस्था में जितने सारे कॉलेजेस हैं, 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो एक ट्यू से अफिलेटेड हैं, उन सभी को आग्रह किया, सभी बच्चों से आग्रह किया है कि आप लोग कॉलेज डायरेक्ट ना करके अपने जो शिकायत है, अपने जो कंप्लेन है, डायरेक्ट आप गूगल लिंक के माध्यम से, जो लिंक है इसके माध्यम से आप शिकायत करिए। और कॉलेजों से भी आग्रह किया है कि वो भी जो कॉलेज जो स्टूडेंट हैं उनकी समस्या अपने संस्थान के स्तर से वो लिंक के ओपन करके छात्रों की समस्या खुद निराकरण करें और या कंप्लेन करें। अब आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक ओपन करके दिखा, छात्रों के डाउट हो भी बताऊंगा। यहाँ से ओपन कर लिया है, अब लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप हमारे मेंबर से हैं तो आप मुझे कमेंट करना हमें जो है व्हाट्सएप पे, हम आपको दे देंगे, या फिर आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम से डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन रिलेटेड क्वेरीज प्रॉब्लम एक ट्यू यहाँ पे लोगों दिखेगा, फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो चाहे तो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ से आपको ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, ईमेल आप क्लिक करके अपनी ईमेल डाल दीजिए, फिर यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट यानी आपका नाम क्या है यहाँ पे नाम डाल दीजिए, फिर आपका यहाँ पे नाम के बाद रोल नंबर क्या है रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज का कोड जो भी है, कॉलेज का नाम कॉलेज कोड पता रहा हो पता कर लेना, गलत मत भरना। ईमेल आईडी क्या है आपकी, ईमेल आईडी दोबारा से डालना है, फिर यहाँ से आपको इशू रिलेटेड जो भी इशू है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने इशू वेरीफाई किया है, स्पेशल एग्जाम का इशू है, आपका रिजल्ट स्पेशल का नहीं आया है, या फिर आपका चैलेंज वोल्यूशन का जो इशू है स्पेशल का है, चैलेंज वोल्यूशन का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, या फिर अदर एग्जाम का जो इशू है, मान लीजिए कैरी ओवर है, या फिर आपका जो है इनकम्प्लीट है रिजल्ट है आपका सीएसएस पाइथन ओपी उसमें लिख सकेगा, एनपीटीएल जो कोर्स है वो वाले, या फिर डिग्री हॉनर्स डिग्री इशू, या फिर आपका जो आप पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपकी मार्क्स डिग्री नहीं आई है। उसके अलावा यहाँ से आपका माई प्रॉब्लम इज़ नॉट इशू, यानी अगर आपका कोई इशू ऐसा है जो आपका इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, तो हालांकि एग्ज़ाम में आ जाएगा लेकिन कुछ और इशू है, तो आप इसमें यहाँ पे नो माई प्रॉब्लम इज नॉट लिस्टेड में क्लिक कर सके कि जो है इनको कम्प्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्लिक किया, मान लीजिए हमारा एग्जाम से मार्कशीट वाला इशू, तो इस पर क्लिक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबमिट सारी चीज़ें फिलअप करना पड़ेगा, फिर यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें करना नहीं। अब बात है छात्रों के जो डाउट है, अभी जो पहले स्टूडेंट हैं कह रहे हैं सर नंबर दे दो प्लीज़, भाई नंबर ऐसे मैं दे दूंगा, बहुत ज़्यादा कॉल आती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आता है, तो आपके लिए आप उसके लिए करो, जो हमारे ज्वाइन सेक्शन में जाओ ज्वाइन कर लो, वहाँ से फिर मेंबरशिप सेक्शन में जाना, जी हाँ सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ज्वाइन करना, पेमेंट वहाँ पे 29, 39 जो भी है 40, 89 तीन चार तरह का ऑप्शन है, आपको जो भी आप उसे ज्वाइन करो, पेमेंट करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है मेंबर। अब हम एप्लीकेशन लॉन्च करवा रहे हैं और इशू और आसान हो जाएगा, तो बहरहाल अभी आप ये करो ज्वाइन करो, फिर मेंबरशिप सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फ्योरी नोबिटा कह रहे हैं ब्रो मेरा एमबीए का पेपर फरवरी में हुआ है, मार्च में ख़त्म, उसका रिजल्ट कब आएगा? भाई अभी जो फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ है अभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 25 अप्रैल 20 अप्रैल मांगे। चलिए प्रियंका कुमारी कह रही हैं कि सर हमें व्हाट्सअप नंबर दीजिए, भाई व्हाट्सअप प्रियंका जी सॉरी ऐसे मैं दे दूंगा तो बहुत ज़्यादा कॉल आती डिस्टर्बेंस होता है, वैसे भी अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आता है, तो आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप सेक्शन में जाए, वहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग रिसर्च करें सर अब 10 मार्क्स का पेपर हो, हाँ ठीक है भाई 10 नंबर का हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने उसमें 10 बोल दिया है जो 7 का हो रहा है कोई इशू नहीं है, किसी का 10 का हो रहा है किसी का 7 का हो रहा है, आप अपना देखिए जो भी आपका इशू है कोई से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आप काउंट करिए। उसके अलावा यहाँ पे अनुराग सिंह कह रहे हैं सर डिग्री हार्ड कॉपी कब तक आएगी? 2 महीने के पास भाई डिग्री की हार्ड कॉपी अगर नहीं आई है तो जो मैं लिंक बता रहा हूँ उसी लिंक पे जाके कंप्लेन करो,
वहाँ पे लिखो मार्कशीट डिग्री इशू, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर में दर्ज कराओ, अपने कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, रोल नंबर सब कुछ डाल देना, आपकी डिग्री 4-5 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। हालांकि कई सारे छात्रों की मिल चुकी है, अगर आपकी नहीं मिले तो डिजी लॉकर से पहले सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लिए, हार्ड कॉपी थोड़ा टाइम लगता है उसको लेकर, आप अपनी जो सॉफ्ट कॉपी वहीं उसी से भी काम चला सकते, कोई ज़रूरी नहीं हार्ड कॉपी, बस हार्ड कॉपी अगर आप चाह ही रहे हैं तो आप जाके इशू उसी लिंक फिल कर दीजिए, लिंक से थ्रू लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च, इन्फोटेक एंड रिसर्च, ठीक है, जो यूट्यूब का टेलीग्राम का नाम है। अब हमारे एप्लीकेशन में भी लॉन्च हो जाएगा, उसका भी नाम हम ITR या फिर इन्फोटेक एंड रिसर्च जो भी आप लोग कहेंगे उसका रखा देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी इशू आप लोग कमेंट करिए, बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, आई होप आपके ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने डिमांड करी थी किटू से, किटू ने हमारी मान ली, तो किटू को फिर अगेन अगेन धन्यवाद, ठीक है, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो